नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन 11 और मैं हूं आपके साथ सानिया। नगर विकास मंत्री जांच कमेटी मामले पर मांझी का बयान सामने आया है, जहां पर जीतन राम मांझी ने सीधा आरोप जो है सुशील मोदी और सुरेश शर्मा पर लगाया है और कहा है कि दोनों जो नेता हैं अपने अपने विभाग को बचाने की तैयारी में लगे हैं। जी हां, आपको बता दें, बड़े ही साफ शब्दों में मांझी ने कहा है कि दोनों लोग जो है बस अपने अपने विभाग को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। वही जल जमाव मामले कि जैसे ही सीबीआई जांच होती है, सारा मामला जो है सामने आ जाएगा कि किसकी वजह से जो है शहर में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। सरकार इस मामले की बस लीपापोती की तैयारी कर रही है। बता दें, मांझी का बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर दोषियों की बचाने की बात नहीं होती तो क्यों नगर विकास मंत्री नगर निगम के कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। वही दूसरी तरफ सुशील मोदी मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का बयान जो है मांझी का आया है, सुनिए क्या कुछ कहा है। बचाने का एक कवायद उन्होंने किया था और वो भी अब जब लोग के दिमाग में बात आई कि साइड भरमाने की बात कर रहे हैं तो माननीय सुशील मोदी जी ने उसको नकारा है और इससे यही लगता है कि वो विभाग को बचाना चाहते थे, सुरेश शर्मा जी उसको को और नगर निगम को, और माननीय सुशील मोदी जी मंत्री को और उस विभाग को बचाना चाह रहे हैं। अगर दोषियों को बचाने की बात ना होती तो फिर सुरेश शर्मा जी जो मंत्री हैं नगर विकास का, वो क्यों बुटकों को, नगर निगम को और नगर विकास के लोगों को कमेटी में मेंबर बनाते? वो बहुत निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच करवाते या और कोई दूसरे कार्मिक विभाग है चाहे और ऑडिशन से जाँच करवा लेते, लेकिन ऐसा मनसा तो था नहीं। लेकिन इसके बाद जब सुशील मोदी जी पता नहीं किस कारण से ऐसा उन्होंने किया है, लेकिन स्पष्ट है कि कितनों भी ये लोग भागेंगे। हम तो बहुत पहले कहा है कि पटना में जो जल जमाव हुआ है और जल जमाजारियाँ हैं उसकी जांच के लिए सीबीआई जांच करे। जब सीबीआई जांच कर लेगी तो निश्चित है समझ में आ जाएगा कि किसकी गलती है। तो देखा आपने, मांझी ने सीधा आरोप लगाया है। दरअसल बता दें, आपको खबर आई थी कि नगर विकास मंत्री ने शहर में जलजमाव की स्थिति होने के बाद से एक ऐलान किया था कि शहर की ऐसी स्थिति को देखते हुए नगर विकास कमेटी की बैठक की जाएगी, जिसके बाद उन तमाम कर्मचारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनकी वजह से शहर का ये हाल है। वह इस बात को जब सुशील मोदी से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया और बातों को अफवाह बताया है, जिसके बाद आज मांझी ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सब बस अपने अपने विभाग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए न्यूज ऑन 11 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार। न्यूज ऑन 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।